मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, क्या करूं? हमारा मन ही हमारी बात नहीं मानता तो दूसरे लोग कैसे मानेंगे? अपने मन को संभाल लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए तो आपको पत्नी दिखाई ही नहीं देगी, उसमें आपको जगतपति दिखाई देंगे कि मेरी वासना की पूर्ति के लिए मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं। वह आपकी बात क्यों माने? क्या आप अपने गुरु और भगवान की बात मानते हैं? अगर मान ले तो सब भगवत स्वरूप है और कोई है ही नहीं, सब कुछ और हर किसी में ईश्वर ही है। संत तुकाराम जी का प्रसंग। संत तुकाराम जी को किसी ने 4-5 गन्ने दिए और वह उन्हें अपने घर ले जा रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चों ने उनसे गन्ने मांगे तो उन्होंने उन्हें गन्ने दे दिए। वह केवल एक गन्ना लेकर घर पहुंचे। उनकी पत्नी के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने गन्ने बच्चों में बांट दिए। इस पर उनकी पत्नी को गुस्सा आया और उन्होंने उस बचे हुए गन्ने से उनकी पिटाई कर दी और वह गन्ना टूट गया। तुकाराम जी ने कहा, चलो अच्छा है, गन्ना तोड़ना था, टूट गया। उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। भक्त लड़ाई नहीं करता, वह तो केवल कृपा करता है। पत्नी को अधीन करने की इच्छा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पत्नी आपके अधीन चले और आपके अनुकूल चले तो वह ऐसा क्यों करे? वह आपकी नौकर थोड़ी है। जैसे आप पुरुष शरीर में जीवात्मा है, वैसे ही वो भी स्त्री शरीर में एक जीवात्मा है। उसकी भी कुछ मनोवृत्तियां हैं और आपकी भी कुछ मनोवृत्तियां हैं। अपनी मनोवृत्तियों को झुकाना सीखें, क्योंकि आप सत्संग सुनते हैं, इससे वह आपके प्रेम में अधीन हो जाएंगी। उन पर शासन करने का अधिकार आपको नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करें। आप दोनों मित्र बनकर एक दूसरे की सलाह लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपके भाग्य और कर्मों के कारण ही वह आपकी पत्नी बनी है। अब इस संबंध का निर्वाह करें। अगर प्रेम से बात नहीं बनती तो इसे वैसे ही सहन करें जैसे हम अपने शरीर के किसी रोग को सहते हैं। आप ऐसा मान ले कि प्रभु ने आपको प्रतिकूलता देने के लिए ही उन्हें भेजा है। इससे आपका भजन बनेगा और प्रभु के प्रति भाव बनेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आप एक ही घर में रहकर एक दूसरे से द्वेष करेंगे। और गाड़ी दो समान पहियों से चलती है, अगर एक भी पहिया छोटा हो तो गाड़ी पलट जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो आपसे कम है या आप पुरुष हैं तो आप कोई बड़ी चीज है, तो ये गलत है। जैसे आपका जीवन है वैसे ही उसका भी जीवन है। यदि आप में से कोई तो दूसरा उसे समझा सकता है, उपदेश कर सकता है और थोड़ा शासन दिखा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपके अनुकूल ही चले, क्योंकि उनकी भी तो अनुकूलता है और उसका भी महत्व है। तुकाराम जी की पत्नी को हुए भगवान के दर्शन। तुकाराम जी की पत्नी उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार करती थी, फिर भी उन्हें तुकाराम जी से पहले भगवत साक्षात्कार हुआ, क्योंकि वो प्रभु के भक्त की पत्नी थी। वह कभी भी तुकाराम जी को भोजन खिलाए बिना खुद नहीं खाती थी। तुकाराम जी दूर कहीं बैठकर भजन करते तो वह उन्हें ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने तुकाराम जी से कहा कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, मैं कैसे जानूं कि आप कहाँ हो? तुकाराम जी ने कहा, चौराहे में जाकर कान लगाना, जिधर की भूमि से सुनाई दे विठल विठल उधर चली आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ऐसे महापुरुष थे तुकाराम जी, जहाँ उनके चरण पड़ते थे वहाँ की भूमि बोलती थी विठल विठल। एक दिन तुकाराम जी पहाड़ में बैठे भजन कर रहे थे। उनकी पत्नी उनके लिए भोजन ला रही थी तो एक बड़ा बबूल का कांटा उनके पैर में लगा। अब उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा था और उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। एक बालक उनके पास आया।
उसने पीले वस्त्र पहने हुए थे और उसका श्याम वर्ण था। उसने उनसे कहा, मैं कांटा निकाल देता हूँ। उसने कांटा हाथ से नहीं निकाला, बल्कि अपने दांत से पकड़कर कांटा निकाला। फिर उसने अपने पीले वस्त्र को फाड़कर उनके जख्म पर पट्टी बांधी। जब वह तुकाराम जी के पास पहुंची, तो तुकाराम जी आज अपनी पत्नी का दर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि एक महाभागवत के दर्शन कर रहे थे, जिसे भगवत साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने तुकाराम जी को बताया कि मेरे पैर में कांटा लग गया था, जिसे एक सांवले बालक ने निकाला। तुकाराम जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयं ठाकुर जी ही थे। ये है हमारे प्रभु का स्वभाव, उनके भक्त से जो थोड़ा भी संबंध स्वीकार करके उसका आदर करता है, तो प्रभु स्वयं उसकी सेवा में लग जाते हैं। निष्कर्ष, आप भजन करें, भक्ति करें, तो आपके संबंध से आपके जीवन साथी का स्वभाव और जीवन दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। किसी से भी द्वेष ना करें। ऐसा मान लीजिए कि यह आपका ही कोई बुरा कर्म है जिसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। अगर प्रभु चाहे तो अभी ही आपका जीवन साथी आपके अनुकूल हो जाए, फिर आप उसके राग में बंध जाएंगे। ठाकुर जी कृपालु हैं, वो आपको राग में फंसने से बचा रहे हैं, भजन में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं और आपके बुरे कर्मों का भी नाश कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधा कृष्ण जी की कृपा दृष्टि से आप सभी के जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि सदैव बनी रहे। राधे राधे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।